getting ready, man. अरे भाई रेड लॉन्चर लेके सो गाइस वीडियो मॉडल में आपको इंडिया के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप 70 से ज़्यादा गेम्स खेलकर काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। और गाइस विंजो वर्ल्ड वार में 24x7 आवर्स टूर्नामेंट भी होता है, जिसमें आप हारो या जीतो आप इसमें लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हो। साथ ही साथ यार इसको ट्राई जरूर करना, क्योंकि इसमें फर्स्ट 3 गेम्स बिल्कुल फ्री हैं। और गाइज आप विंजो स्टोर से बहुत सारे गेम्स के गिफ्ट वाउचर जैसे कि फ्री फायर, लॉर्ड्स, मोबाइल माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स की करेंसी भी ले सकते हो बहुत सस्ते। और गाइज विंजो वैलेट से जीते हुए पैसे को विड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, जिससे आप पेटीएम, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट में ले सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजी। और तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यार, वहाँ से जाकर डाउनलोड करना। और अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको 50% का बोनस मिलेगा, तो जाओ डाउनलोड। भाई वो यही था जरा देखिए मैं तेरे से कितने दूर था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। Few moments later. एडी हाँ सुन सुन, हेलो हेलो हाँ सुनना, क्या देख रहे हो? सुन सुन आरपीजी वाले का घर कहाँ है? हेलो 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 आवाज आ रही है? पता नहीं भाई, लग रहा है पायलट प्लाजा से आया था। पायलट प्लाजा उसको जितनी गाली दे सकता ना माइक बंद करके उतनी गाली दे भाई, ठीक है? पता ही मत किसी को, मैंने गाली के लिए बोला, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंजल काव्या, शेट, शेट, शेट। यहाँ पर क्योंकि मेरा ला अभी भी यहाँ पर लाइव है, लेकिन यहाँ पर बस देखना क्या ही सीन होने वाला है। अब हर पीजी वाला बंदा तो कूद के यहाँ से निकल गया, लेकिन भाई तभी मेरा इस वाला बंदे पे एंगल बन जाता है। मतलब इस बंदे को मेरी लोकेशन का कोई भी आइडिया नहीं होता, तो भाई इस बंदे को इजीली साथ ही साथ फिनिश भी किया। तो ये वाला साउंड सुनो, अब मुझे लगने लगा था कि इस बंदे के पास काफी ज्यादा बुलेट्स बाकी है, लेकिन इसी बीच ये जो लेफ्ट साइड ब्लू हाउस वाला बंदा था ना, वो करता सामने की तरफ एक शानदार नेड, और उस नेड में एक बंदा नॉक होया था। अब वो आरपीजी वाला था फिर दूसरा मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी, मेरे को बस यहाँ पर पुश करना था, लेकिन भाई वो जो आरपीजी वाला था ना वो नीचे की तरफ आ चुका था, जिसको मैं इजिली एंगल बना के फिनिश किया था। उसके बाद आरपीजी वाला भी मारा था और ये बंदा भी मारा था, तो इसके बाद मैं बिल्कुल खुश हो चुका था कि भाई मतलब सभी निपट गए। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ लेकिन भाई इसी बीच में जैसे ही इस वाले बंदे को स्पॉट करता हूँ, मारने की ट्राई करता हूँ, मुझे इस बंदे के हाथ में भी आरपीजी दिखती है। अब देखो भाई एक मुसीबत टली ही थी कि भाई तभी दूसरी मुसीबत आई थी मेरे सर के ऊपर, और जिससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि भाई पहले वाले बंदे ने मेरे को स्पॉट नहीं किया था, लेकिन इस बंदे ने मेरे को बिल्कुल स्पॉट कर लिया था, और हाथ पैर सब कुछ धोकर मेरे पीछे पड़ चुका था। तो भाई बस जो यहाँ पर कितनी कोशिश करेंगे।
भाई कैसी लगी आगे स्वाद? और यहाँ पर मतलब क्या ही कर सकता था मैं, फिलहाल यहाँ पर मैं जितना हुआ यहाँ पर मैंने ट्राई किया बचने का, लेकिन भाई ऐड दिया ने यहाँ पर ये वाला सीन हो जाता हमारे साथ। और यहाँ पर होने के बाद सबसे पहले मैं सदमे में गया था काफ़ी देर के लिए, लेकिन जो भी हो यही थी आज की गेम प्लेयर में कैसे लगी वीडियो कमेंट की जरूरत। भाई पेट्रोल खत्म होने वाला है। हेलो प्रवीण भैया, ऑफिशियल सूरज गेमर मैं बोल रहा हूँ। फाइनली आज आपके साथ खेलने का मौका मिल ही गया। थैंक यू सो मच प्रवीण भैया, थैंक यू सो मच। अरे भाई थैंक यू सो मच यार, बैठो बैठो इस गाड़ी में जगह है। गाड़ी मेरी टू सीटर। अभी मजा आएगा ना। अरे भाई भाई लॉन्चर लेके एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। बोला चार किल भी मिल गए। ये लाडा बोला चार किल भी मिल गए। अबे छह किल मिले, तुम दोनों भी मर गए। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी यार। भाई पूरी स्क्वाड, क्या ही बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने को। भाई पूरी स्क्वाड उड़ा दी इसने तो यार, ऐसे रैंक पुश होगी अब। क्यूट रिया थैंक यू सो मच। आई गॉट सप्लाइज। अरे करेंगे अंदर हम, आ जा चल, आ जा आ जा, नीचे एक बंदा है इसको बड़ा, आ जा। अरे रिलोड कर लिया, रिलोड कर लिया। हमको क्या पता था इसके पास आरपीजी है यार। मौज कर दे भाई, छी भाई मौज कर दे भाई, पूरा भाई पूरा बर्बाद कर दे मैच को भाई। छी भाई चलिए अंदर रेडी कर। लास्ट बनने वाला था। जाओ और जाओ अपने कार में जाओ, बाद आया जाओ और अपने कार में। नहीं मैं बोल रहा बैठ कर नहीं, हम हमारे कार में जाएंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। अरे मैं सोचा था हेवी रेवर वाला सीन बना देता। बोल रहा नहीं, हम हमारे कार में जाएंगे, हम महाराजा हैं। कुत्ता बना दिया भाई। बोले बैठ ले भाई, तू बैठ ले। नहीं क्या ही बोला जाए। चलो भाई हैंग वाले करते सर बंदे। हाँ करा भाई कैसी लगी आगे स्वाद? मतलब भाई आपको ये वाला सीन देखकर कैसा लग रहा है? नोडो ने आरपीजी चला दी। अच्छा अच्छा भाई मैं
Enemy down. अरे वाह, तेरा ग्लिच हो गया था क्या? Enemies ahead. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. हेलो गॉड और एडी भाई, बिग फैन भाई, बिग फैन. चुप चुप हो जा सातवीं फैन, चुप. एक शब्द नहीं बोल. क्या एडी चुम, आरपी जी से मार दिया, तो सो रहा है दाड़े. हेलो फ्रेंड्स, हेलो ओमकार भाई, कैसे हो? वेलकम गाइस, जितने तो लाइव स्ट्रीम पे बैठे हैं सभी सभी जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लेना. देख लो यार, आरपीजी से मारने के बाद डांस कर रहा है भाई, उससे बड़ा चूमू कौन हो सकता है यार. तालियां इस चूमू बंदे के लिए भाई, तालियां. लौंडा खुश है भाई, आरपीजी से मार के खुश है भाई, कहता है भाई ये बढ़िया था गुरु. अरे भाई कहां मारी थी, हमारी गाड़ी तो निकल ही गई थी. ये आई फिश भाई, फिश. हाथ से निकल जाता है, लेकिन आप लोग जरा मिनी मैप नोटिस करना, क्योंकि मुझे तो आवाज आ रही थी एक बंदे की फुटस्टेप्स की आवाज. मैंने वापस से देखो यहां पे स्कोप इन करा कि क्या पता वो बंदा मुझे वापस से दिख जाए, लेकिन मुझे आते फुटस्टेप्स की आवाज और एक बंदा मेरे पे रश कर चुका था. मिनी मैप शायद आप लोग देख रहे हो ना, तो समझ जाना. अब देखो मैं आता हूं और बंदे के पास एस्ट्रल की होती है, और देखना यहां पे क्या सीन होता है. मतलब मैं कवर में जा चुका हूं, फिर भी मेरे डैमेज कैसे पड़ रहा है इतना तगड़ा डीसिंग. मतलब मेरा पिंग भी हाई नहीं था. अब देखना मैं एस्ट्रल किसी बंदे को जवाब देता हूं. और मैं बिल्कुल खुश था कि हाँ मस्त किचन डिनर मिलेगा, और मुझे पता था आखिरी बंदा उस केव के पास है, पर देखो क्या होता है. कुछ बोलना नहीं चाहता यार, बस तुम देख लो. ए बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह सेल हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई. और 50% प्लान काम कर जाता है, हम दबा के डैमेज दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर सुजुका मैडम घुटनों में आ जाती हैं, और फिर होता है रस. तो फिर तुम आगे देखो. हाँ तो स्किन का तो नहीं पता, लेकिन स्किन के चक्कर में स्किल थोड़ी कम पड़ गई. भैया जी के अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज कुछ ज्यादा ही थी. भैया जी अकेले ही आ जाते हैं बग्घी लेकर, और फिर हम उनको पूरा ही खा लेते हैं, लेकिन तभी उनके दूसरे आते हैं, और फिर तुम आगे देखो. हाँ तो जब इतना खतरनाक किसी को बजा दिया जाए, तो वो बंदा आरपीजी उठा ही लेता है, फट जाती है यार, समझा करो. तो भैया जी ने आरपीजी उठा ली, और उसके बाद फिर तुमने आगे देख ही लिया. तो इन सबको इग्नोर करते हैं और अगले गेम प्ले में चलते हैं. तो यहाँ पास इतनी खतरनाक गन चल रही है, और हम यहाँ पास इसकी से हीरो पंथी कर रहे हैं. म्यूजिक